क्लासेस बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली में हम लोगों ने वायगोस्की के क्वेश्चंस किए थे, आज से आपकी जो सीरीज शुरू होने वाली है वो प्याजे की है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग देख रहे हैं कि कितना लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही लेंदी लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से और शांति से पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू प्याजे, चाइल्ड ऑफ एज 4 ईयर लर्न देयर प्राइमरी लैंग्वेज बाय देयर कॉग्निटिव अप्रोच। रीज़न दे रखा है कि लैंग्वेज कैन बी डेवलप थ्रू कॉग्निशन। बिल्कुल सही बात है, अभिकथन और कारण। मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला दिया होगा तो पहले आप कारण पढ़ेंगे। कारण कहता है कि संज्ञान के माध्यम से भाषा का विकास किया जा सकता है। अब इसमें आप जोड़ देंगे इसलिए। प्याजे के अनुसार 4 वर्ष की आयु का बच्चा अपनी प्राथमिक भाषा अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से सीख लेता है। जो उसकी मदर टंग होती है, जो उसकी पहली भाषा होती है, बच्चों को वो कभी हमको सिखानी नहीं पड़ती है, वो सुनते 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 सीख लेते हैं। इसका मतलब आपका ए और आर दोनों ही सही है। अ बेबी अपीयर्स अमेज्ड एवरी टाइम हर मदर कवर हर फेस विद हर हैंड एंड देन अनकवर इट। वॉट प्याजेशियन कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट हैज द बेबी नॉट येट अंडरस्टूड दैट मेक दिस गेम सो एक्साइटिंग। यानी कि एक बच्चा हर बार आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसकी माँ उसके चेहरे को अपने हाथों से ढकती है और फिर हाथ हटाती है। प्याजे की कौन सी संज्ञानात्मक अवधारणा बच्चे को अभी तक समझ नहीं आई है जो इस खेल को इतना रोमांच बनाती है? तो पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो आपकी बात की जाती है वो आपकी सेंसरी में की जाती है। सेंसरी स्टेज जो होती है 0 से 2 वर्ष वाली, ठीक है। जैसे हम लोग अपने घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने चेहरे पर हाथ रखते हैं और फिर हाथ हटा के बोलते हैं ता, तो बच्चा खुश होता है, बच्चा उस चीज़ को बहुत एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व जो है वो नहीं आया है। जब हम अपने चेहरे पर हाथ रखते हैं तो शायद उसको लगता होगा कि अब इधर उधर कुछ नहीं है, और जैसे ही हम हाथ हटा लेते हैं वैसे ही उसको देखने को मिलता है कि अरे वाह, जो भी आपका फैमिली रिलेटिव है वो उसके सामने होता है। क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, द एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स फॉर सिम्बल सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल डेवलप ड्यूरिंग डैश एंड इनेबल द चाइल्ड टू लर्न। जीन प्याजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्ह, यानी कि आप कह सकते हैं कि चिन्हों के लिए चिन्ह, जैसे कि आपको यहाँ पर देर रुकी मैं आपको बताती हूँ। चिन्हों के लिए चिन्ह का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एस को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है उसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है, तो चिन्हों के लिए हमने चिन्ह का प्रयोग किया। डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो ये किसके दौरान विकसित होती है और डैश क्या करने में, तो ये औपचारिक संख्यात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में तो ये होती है, और ये बच्चे को एलजेब्रा और कैलकुलस सीखने में मदद करती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्याजे के क्वेश्चंस कितने लेंदी लेंदी हैं। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट स्टिक ए इज लार्जर देन स्टिक बी एंड स्टिक बी इज लार्जर देन स्टिक सी। एक बच्चा है वो ये देखता है कि जो स्टिक ए है वो बड़ी है स्टिक बी से, यानी कि बी छोटी है कहीं ना कहीं, और जो स्टिक बी है वो बड़ी है स्टिक सी से, यानी कि स्टिक सी और भी छोटी है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पे आपसे सीरिएशन की बात की गई है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट इन्फर दैट ए इज लार्जर देन सी, मतलब ए जो है वो सी से भी बड़ी है। बट वेन आर सेम प्रॉब्लम वर्बली ही फेल टू मेक करेक्ट इंटरफेरेंस। अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी द स्टूडेंट इज विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसे ये जब पूछा गया कि एक छात्र देखता है कि जो छड़ी ए है वो बी से बड़ी है, बी है सी से बड़ी है, और जब इसको अवलोकन के आधार पर छात्र ने अनुमान लगाया कि छड़ी ए जो है वो सी से बड़ी है, सबसे बड़ी है, लेकिन मौखिक रूप से वो ये नहीं कर पाया, उसने क्या किया, जैसे मैंने अभी आपको लिख करके दिखाया उसने इसी तरीके से आप लिख करके चेक किया। तो प्याजे के अनुसार आपको बताना है कि उसके संज्ञानात्मक का कौन सा विकास हो चुका है। तो बच्चों वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मतलब कि वो लॉजिक तो लगा पा रहा है लेकिन अभी उसके अंदर हाइपोथेटिकल थिंकिंग नहीं आई, और जैसे ही बच्चे के अंदर हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है तो वो फॉर्मल में चला जाता है। और ट्रिक आप ये रख लीजिए कि बच्चे ने इतना, मतलब जितनी भी इसमें गणित दी गई है उतना किया है, तो आपका सेंसरी तो 0 से 2 का होता है और प्री 2 से 7 का होता है, ठीक है, तो इन सब में ये नहीं कर पाते हैं। और कॉन्क्रीट जो होता है वो आपका 7 से 11 का होता है, तो इसमें बच्चा ये लॉजिक्स लगा लेता है।
एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। ठीक है, आपको ये बताना है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमता मूल संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। ठीक है, कॉन्क्रीट और प्री में आपको डिफरेंस बताना है। हाइपोथेटिकल आपका फॉर्मल में आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है आपका, और कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंस और डिसेंट्रेशन विकेंद्रीकरण जो है वो आपका किस में आता है, ये आपका कॉन्क्रीट में आता है, और प्री ऑपरेशनल में आपका आता है सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा अलग करती है, तो आपका अलग करती है वो है डिसेंट्रेशन, क्योंकि आपका सेंट्रेशन प्री में आ जाता है और डिसेंट्रेशन आपका आता है कॉन्क्रीट में। ठीक है, ये एक उदाहरण है कि इसको यहाँ से जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसके पॉइंट ऑफ नज़रिए से। ठीक है, ये थ्री माउंटेन्स की एक है कहानी, इसके नज़रिए से इसको ये दिखाई दे रहा है लेकिन इसको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लोगों का अपना अपना डिफरेंट व्यू है। द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटी। हाँ, जब बात पियाजे की आती है तो जो बच्चों की सोच है वो गुणात्मक रूप से हमेशा भिन्न होती है, क्वालिटेटिवली हमेशा डिफरेंट होती है अदर से, मात्रक रूप में अलग नहीं होती है, मात्रात्मक रूप तो वही रहता है। बस ये हो जाता है कि कोई किसी के बारे में, बच्चा किसी के बारे में सोच रहा है और जो बड़ा है वो किसी के बारे में सोच रहा है। तो जब भी आपसे जीन पियाजे को लेकर के पूछा जाए तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे, आपको क्वालिटेटिवली याद रखना है, आपको गुणात्मक याद रखना है। ठीक है, चिल्ड्रंस थिंकिंग जो है वो गुणात्मक क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट होती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार आपको बताना है कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, लैंग्वेज करता है, सोशल एक्सपीरियंस और मैच्योरेशन और एक्टिविटी। तो बच्चे सोशल एक्सपीरियंस की बात हमारे वाइगोस्की करते हैं और इसमें तो लैंग्वेज भी दे रखा है आंसर में, तो चलिए हम लोग लैंग्वेज पे चलते हैं। वैसे पियाजे हमेशा यही कहते हैं कि जो विचार है वो भाषा को प्रभावित करता है, ना कि जो भाषा है वो विचार को प्रभावित करती है। तो हो सकता है इस वजह से आपका ये वाला पॉइंट सही माना गया हो। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, जीन पियाजे का मानना है कि ज्ञान है, ज्ञान क्या है, को कंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रक्शन विद मोर नॉलेजेबल देन अदर की बात हमारे MKO की बात वायगोस्की करते हैं, हम लोगों ने देखा है। अब विजुअल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मेजर विद रेबिलिटी, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसे आप विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर दैन बींग पास्ट पैसिवली पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंट्रक्शन, यानी कि अंतःक्रियाओं की बात कौन करते हैं, ये हमारे वायगोस्की करते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड, कंस्ट्रक्शन बाय चाइल्ड जो है, यानी कि यहाँ पर बच्चा क्या है, बच्चा खुद में एक्टिव है। ठीक है, जहाँ पे बच्चा खुद से कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करके सीखता है, जहाँ पे बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उससे बेहतर आंसर आपका दूसरा कोई नहीं होता है। अफसा होल्ड अप अ पोटैटो चिप्स एंड सेज बटरफ्लाई, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे दिस काइंड ऑफ सिम्बॉलिक थॉट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज। अफसा जो है वो आलू का चिप्स उठाती है और कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार प्रतीकात्मक विचार की विशेषता बताना है, तो यह आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, यानी कि रचनावादी सिद्धांत के बारे में कौन सा सही नहीं है, लर्नर्स जो हैं वो अपनी खुद की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं, यानी कि शिक्षार्थी अपना ज्ञान और समझ स्वयं बनाते हैं, नई जानकारी पूर्व ज्ञान से निर्मित होती है, सही बात है। आपसे पूछा गया कौन सा ट्रू नहीं है, रोल ऑफ टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द होल क्लास, ऐसा नहीं है कि रोल ऑफ जो टीचर है वो आपका होली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टीचर को साइड में रख के हमने स्टूडेंट को सेंटर में रखा है। ठीक है, तो रोल ऑफ स्टूडेंट अगर ये होता है तो ये हमारा सही हो जाता है, लर्निंग इज एक्टिव, ये भी बिल्कुल सही बात है। आपको मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बता दूँ, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है रोल ऑफ स्टूडेंट तो ये आपका सही हो जाता है, और यहाँ पे लिखा होता है लर्निंग एक्टिव की जगह आपको यहाँ पे पैसिव दे रखा होता तो ये आपका गलत हो जाता है। आप जो कीवर्ड्स होते हैं आप उनको पकड़ने की कोशिश करिए। पैडागोगी में अगर बच्चा पैसिवली कोई काम कर रहा है, सक्रिय रूप से कोई काम, निष्क्रिय रूप से कोई काम कर रहा है, तो वो गलत है आपका। बच्चे को क्या होना है, एक्टिव होना है, सक्रिय होना है। और रोल ऑफ टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, रोल ऑफ स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा इंपॉर्टेंटली प्ले कर रहा है तो वो आपका उत्तर कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये पैडागोगी की मांग है।
जिसको हम लोग NCF और NEP में पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलप लर्निंग थ्रू सिग्निफायर इन विच सब स्टेज ऑफ प्याजेस थ्योरी, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ऑल राइट, तो ये थे आपके प्याजे के 10 क्वेश्चंस। प्याजे पे भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही चर्चा करेंगे जैसे वाइगोस्पी के पे की है। और बस आप लोगों से बच्चों इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि वीडियो पे व्यूज़ तो आ जाते हैं, 100 आ जाते हैं, लेकिन लाइक एक भी नहीं आता, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।